हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एचसीपी क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुए हैं, कुछ अभी पोस्टपोन कर दिए गए हैं, पर इनमें जो क्वेश्चंस आए हैं और इनके जैसे कौन और क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन ये सीएचएसएल के एग्ज़ाम में आया था कि जिसमें उन्होंने अर्थ लेयर में पूछा था कि कौन सी लेयर को कौन सी डिसकंटिन्यूटी अलग करती है। तो देखिए, सबसे ऊपर वाला जो होता है इसे हम कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट दो भागों में बटा होता है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। उसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है मेंटल। मेंटल भी दो पार्ट्स में बटा होता है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। उसके नीचे जो आता है वो आता है कोर। तो जो ये भी दो पार्ट्स में बटा होता है, अपर कोर और लोअर कोर। ठीक, जैसे हम अगर इसका हम मिनरल के हिसाब से देखें तो यहां पर इसे कहते हैं सियाल। ये जो अगला आ जाता है इसे कहते हैं सीमा। और सबसे नीचे जो आता है इसे कहते हैं नीफे। सियाल का मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम। तो अर्थ क्रस्ट पे सबसे अधिक सिलिका और एल्यूमिनियम, मेंटल पर सीमा सिलिका और मैग्नीशियम, और जो नीचे क्रोड है, क्रोड के दो पार्ट्स हैं निकिल और फेरस। तो ये निकिल और फेरस से बना है। अब देखिए, इनको कौन कौन अलग करते हैं। अगर हम अर्थ अपर कोर और अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट की बात करें तो इन दोनों को अलग करती है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, हिंदी में कहते हैं असहबद्धता, इंग्लिश में बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। तो कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग करती है। फिर देखिए, जो एग्जाम में पूछा था वो आया था क्रस्ट और मेंटल को कौन अलग करती है। तो क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली है मोहोरविक, जिसे मोहो डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। तो ये एग्जाम में आया था। उसके बाद देखिए, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, तो बार बार कह रहे हैं मेंटल है। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करती है ये जो है, इसे कहते हैं रेपिटी। दैट इज रेपिटी, बार बार रिपीट करता है, मेंटल है मेंटल। तो मेंटल को रेपिटी, और मेंटल को कोर से जो अलग करती है, मेंटल को कोर से, उसे कहते हैं गुटनबर्ग। तो गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी ये मेंटल को कोर से अलग करती है, मेंटल टू कोर। अगर हम वैसे पढ़ेंगे तो लोअर मेंटल को अपर कोर से। और सबसे नीचे जो आता है उसे कहते हैं लेहमेन। जो लेहमेन डिसकंटिन्यूटी है वो अलग करती है अपर कोर को लोअर कोर से। तो अगर आप बहुत टफ एग्जाम नहीं दे रहे तो आप इनको ध्यान रखिए, मोहोरविक जो ऊपर क्रस्ट को नीचे मेंटल से अलग करती है, और एक याद रखिए गुटनबर्ग जो मेंटल को कोर से अलग करती है, गुटनबर्ग। इसके अलावा मैंने आपको दो और बता दिए हैं, तीन। ये इनके इंटरनल डिवीजन है, क्रस्ट को क्रस्ट से, मेंटल को मेंटल से, और कोर को कोर से। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन जो आया था वो आया था 5 ईयर प्लानिंग से। देखिए, जो 5 ईयर प्लानिंग होता है, पंचवर्षीय योजना, ये जो 5 ईयर प्लानिंग है ये अब भारत सरकार ने इनको बंद कर दिया है। तो यहां पर फिर क्वेश्चंस यहां से उन्होंने पूछे थे 5 ईयर प्लानिंग में से। देखो, हम जानते हैं 5 ईयर प्लानिंग की शुरुआत जो है इंडिया ने 1951 से शुरू करी थी। ठीक, अब इनको कैसे याद करते हैं और क्या क्या क्वेश्चन इनमें बनते हैं। तो 5 ईयर प्लानिंग में, ये जो 5 ईयर प्लानिंग है ये हमने रूस से बोरो किया था 5 ईयर प्लानिंग को। अब देखिए कैसे याद करते हैं इनको। तो इसको याद करने का तरीका है, पहले 3 प्लान आएंगे, फिर 3 साल का गैप आएगा, फिर 2 प्लान आएंगे, फिर 2 साल का गैप आएगा,
फिर दो प्लान आएंगे, फिर 2 साल का गैप आएगा और उसके बाद कंटिन्यू चलेंगे। तो 3 साल का गैप, 2 साल का गैप, 2 साल का गैप। देखिए कैसे होते हैं ये। सबसे पहले 3 पंचवर्षीय योजना आई 1951 से 56 तक, ये पहली पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद 56 से 61 तक और 61 से 66 तक। तो 3 लगातार पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर आइए और ये शुरू होती थी 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को शुरू होती हैं और जिस साल ख़त्म होंगी तो 31 मार्च को ये समाप्त हो जाती थी। तो पहले 3 पंचवर्षीय योजना आई और फिर 3 साल का गैप, विच मीन्स 1966 से लेकर 69 तक इन्हें प्लान हॉलीडेज कहा गया, योजना अवकाश। तो 3 पंचवर्षीय योजना आई, फिर 3 साल का गैप आया। उसके बाद 1969 से 74 और 74 से, तो पांचवी वाली अब दो आएंगी। तो जब दो आएंगी तो ये 74 से 79 तक होनी चाहिए थी, पर पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले समाप्त कर दिया। कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और 1 साल पहले ही इसको समाप्त कर दिया। तो 3 लगातार आई, फिर 3 साल का गैप, फिर 2 लगातार आई, अब 2 साल का गैप आएगा। मीन्स 78 से लेकर 80 तक कोई भी प्लान यहाँ पर नहीं आएगा, 78 to 80, तो यहाँ पर प्लान नहीं आएंगे। उसके बाद 80 से लेकर, देखिए उसके बाद 1980 से लेकर 85 और 85 से लेकर 90, अगले 2 प्लान फिर आएंगे और 90 से लेकर, तो ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, ये हो जाएंगे प्लान हॉलिडे, ये हो जाएंगे तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ से 80 से 85 छठा और यहाँ पे आ जाएगा सातवां, फिर 90 से लेकर 92 तक फिर दोबारा से कोई प्लानिंग नहीं होगी और उसके बाद 92 के बाद फिर लगातार सारे 5 ईयर प्लान चलेंगे, 92 से 97, 97 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012 और 2012 से 2017। तो देखिए पहला 5 ईयर प्लान 51 से 56, तो याद करने का तरीका ये है, 3 3 साल का गैप, 2 2 साल का गैप, 2 2 साल का गैप और उसके बाद ये लगातार चलते रहेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे भी आते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था। तो देखिए जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था इसका एम था कृषि, कृषि को बढ़ावा देना, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान लेके आए थे। सेकंड 5 ईयर प्लान जो था, अच्छा ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान हेरड डोमर मेथड पर आधारित था, हेरड डोमर मेथड, ये आपको सारे करा देंगे इकोनॉमिक्स के सेक्शन में, अभी केवल मेन चीज़ें लिखा रहे हैं। सेकंड में याद रखिए हैवी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, हैवी तथा आधारभूत इंडस्ट्री, आधारभूत इंडस्ट्री का मतलब है जिन्हें कोर इंडस्ट्री कहते हैं, तो कोर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था, ठीक। और एक पांचवी बहुत आती है एग्जाम में, गरीबी निवारण के लिए, गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो वो क्या था, पांचवा। तो और इसमें ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं, उसके अलावा और भी आएंगे, वो आपको समय समय बताते रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन उन्होंने जो एग्जाम में पूछा था वो विंटर ओलंपिक के बारे में पूछा था कि पहला विंटर ओलंपिक गेम्स कहाँ पे हुए थे। देखिए विंटर ओलंपिक गेम्स जो हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, 1924 में फ्रांस में सबसे पहले विंटर ओलंपिक गेम्स हुए, ठीक, फ्रांस में। और 2022 में जो अगले विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे वो होंगे बीजिंग में, बीजिंग 2022 में।
और 2026 में अगर पूछेंगे तो 2026 में होंगे मिलान शहर में, मिलान। तो उन सबसे पहले विंटर ओलंपिक गेम्स 1924 में फ्रांस में हुए थे, ठीक। विंटर ओलंपिक, इसमें केवल जो गेम्स होते हैं वो केवल जो बर्फ पे खेले जाते हैं वो गेम्स हैं, इंडिया इनमें बहुत ही कम पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद देखिए, अब इसमें जब विंटर ओलंपिक का आ गया तो दूसरे एग्जाम्स में वो पैरा ओलंपिक, ओलंपिक, ग्रैंड स्लैम, इनकी ग्रैंड स्लैम भी इस बार के एग्जाम में पूछा गया CHSL में। देखिए, अगर हम बात ओलंपिक गेम्स की करें तो ग्रीस में जो ओलंपिया पर्वत है, देखिए ओलंपिया एक पर्वत है प्राचीन समय में, कहाँ, ग्रीस में। तो ग्रीस में 776 BC में एक राजा ने ओलंपिक खेलों की शुरुआत करी ताकि लोगों का स्वास्थ्य बढ़िया रहे, 776 BC। तो ओलंपिक गेम्स की शुरुआत कहाँ पे हुई, ग्रीस, जिसे यूनान, यूनान, और उस जगह का नाम था एथेंस। तो एथेंस, यूनान, ग्रीस कुछ भी कह सकते हैं, 776 BC। उसके बाद 14 गेम्स होने के बाद एक राजा आए मत्यूतिस्सा और उन्होंने इन गेम्स को बंद कर दिया, ठीक। और उसके बाद 1896 में इन गेम्स की दोबारा शुरुआत करी, और ये जो मॉडर्न मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हैं इनका जो पिता है वो पियरे डी कुर्बेटिन, पियरे डी कुर्बेटिन, इसी के सम्मान में पियरे डी कुर्बेटिन पुरस्कार भी मिलता है, जो सबसे बढ़िया विंटर ये समर ओलंपिक्स में अच्छी खेल भावना के लिए मिलता है, पियरे डी कुर्बेटिन, फ्रांस के थे ये। और इन्होंने दोबारा से 1896 में वहीं यूनान, ग्रीस में इनकी दोबारा क्या करवाई, शुरुआत। भारत ने पहली बार इसमें सन 1900 में जब पेरिस ओलंपिक हुए थे तो भारत ने यहाँ पर सबसे पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, और 1928 में भारत ने पहली बार इसमें हॉकी का गोल्ड जीता था। तो 1928 में हॉकी का गोल्ड सबसे पहले जीता था, और 1980 में मॉस्को ओलंपिक में लास्ट बार इंडियन हॉकी टीम ने ओलंपिक में गोल्ड जीता था। अब देखिए, तो ओलंपिक गेम्स में से सवाल क्या आएंगे 2020 के, जो मोस्ट प्रोबेबली अब पोस्टपोन्ड हो जाएंगे। तो 2020 के जो ओलंपिक गेम्स थे वो टोक्यो में, टोक्यो जापान में होने प्रस्तावित थे, और ये 2020 के हैं। 2024 के जो ओलंपिक गेम्स हैं वो पेरिस में, पेरिस, और 2028 में जो ओलंपिक गेम्स हैं वो लॉस एंजलिस में, लॉस एंजलिस। तो लॉस एंजलिस में 2028 के, 2024 में पेरिस, और 2020 में टोक्यो में। ओलंपिक ओलंपिक में 5 छल्ले भी होते हैं, जो 5 अलग-अलग महाद्वीपों को, जो महाद्वीप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनको दिखाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस ओलंपिक गेम्स में भी आ सकते हैं। फिर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो बनता है वो आता है पैरालंपिक्स में से। देखिए, ओलंपिक्स के साथ साथ अब पैरालंपिक गेम्स भी होते हैं। पैरालंपिक विकलांग लोगों के गेम्स हैं, विकलांग लोगों के। तो इसमें देखिए, पैरालंपिक गेम्स की शुरुआत जो हुई वो 1960 में रोम में इन गेम्स की शुरुआत हुई, पैरालंपिक गेम्स में। और ध्यान रखिए, ये हर साल अब उसी देश में होते हैं जहां पर समर ओलंपिक होंगे, जैसे 2020 में टोक्यो, उसके अगले साल, उसके अगली बार पेरिस, और उसके अगली बार लॉस एंजलिस। देखिए, अगला क्वेश्चन जो यहां से एक पूछा था वो था ग्रैंड स्लैम से। देखिए, ग्रैंड स्लैम जो है इसका संबंध किस गेम से है, ग्रैंड स्लैम का इसका संबंध है टेनिस से, टेनिस। देखिए, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहला जो होता है उसे कहते हैं ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम, ठीक। दूसरा जो है ये होता है फ्रेंच फ्रेंच ग्रैंड स्लैम, फ्रेंच।
ये इसको रौलिया गैरा, रौलिया गैरा भी कहते हैं क्योंकि जहां पर ये खेला जाता है स्टेडियम का नाम है रोलैंड गैरोस। तीसरा जो होता है ये होता है विंबलडन। सबसे जो प्रतिष्ठित है वो विंबलडन माना जाता है। और चौथे नंबर पे आता है यूएस ओपन। तो ये ऑर्डर कई बार पूछते हैं, ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन और लास्ट में आता है यूएस ओपन। अच्छा, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ से देखिए। कॉमनवेल्थ गेम्स, देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स को ये भी पूछ सकते हैं कि पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर हुए। देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत जो है ये 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में, हैमिल्टन कनाडा के हैमिल्टन शहर में सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हुई। इन्हें चोगम चोगम गेम्स भी कहते हैं। सब जानते हैं 2010 में दिल्ली में चोगम या कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। और 2022 में जो 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो कहाँ पर हैं? बर्मिंघम, बर्मिंघम में अगले 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। बर्मिंघम आपका ब्रिटेन में होगा। ठीक, अगला देखिए हॉकी विश्व कप। देखिए जब हम हॉकी विश्व कप की बात करते हैं तो 1971 में ये पाकिस्तान से इसकी शुरुआत हुई थी हॉकी। अच्छा ठीक, तो हॉकी विश्व कप को 1971 से स्टार्ट हुआ और 2023 में जो अगला हॉकी विश्व कप है वो भारत में प्रस्तावित है। तो 1971 पाकिस्तान से शुरू हुआ और 2023 में ये प्रस्तावित कहाँ पर है? भारत में। उसके बाद देखिए अगला खेल जो आ सकता है वो है एशियाई खेल। देखिए एशियाई खेल में क्या क्वेश्चन बनते हैं? पहला देश जहां पर एशियाई खेल हुए थे तो 1951 में नई दिल्ली में, नई दिल्ली में सबसे पहले एशियाई गेम्स की शुरुआत हुई थी। और 1982 में भी नई दिल्ली में ही एशियाई खेल हुए थे। 2022 में जो एशियाई खेल्स हैं वो चाइना के हांगजुओ, हांगजुओ शहर में होंगे। 2022 के अगले कॉमन, अगले एशियाई खेल। और लास्ट में आता है विश्व कप फुटबॉल। देखिए विश्व कप फुटबॉल जो है इसे जूल्स, इसका नाम जूल्स रिमेट ट्रॉफी भी है। जूल्स रिमेट नाम के आदमी ने इस ट्रॉफी की शुरुआत करी थी 1930 में, 1930। और 1930 में ये उरुग्वे, उरुग्वे में हुआ था, मॉन्टीवीडियो में उरुग्वे। और उरुग्वे ने ही अर्जेंटीना को हराया था, अर्जेंटीना को हराया था। किसने? उरुग्वे ने। अगला जो विश्व कप है अगला, वो अगला विश्व कप कतर में 2022 में अगला विश्व कप कतर में प्रस्तावित है। ठीक, उसके बाद तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो हैं गेम से रिलेटेड हैं। इसमें पहला और अभी हाल ही में कहाँ पे होगा इसमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था वो था इलाहाबाद की संधियों से, इलाहाबाद की संधि किस किस के बीच में हुई। अब वो डिपेंड करता है देखिए ऑप्शंस में, क्योंकि हम जानते हैं इलाहाबाद की दो संधियां हुई थी। देखिए एक संधि जो हुई थी वो 12 अगस्त, 12 अगस्त 1765 में, और दूसरी संधि जो हुई थी वो 16 अगस्त 1765, 1765। ये 1765 है ये भी। देखो इलाहाबाद की संधि क्यों हुई, कैसे हुई और इसका कारण क्या था? देखिए इलाहाबाद की संधियां जो इसका कारण था, जब 22 अक्टूबर 1764 में एक युद्ध हुआ जिसे बक्सर का युद्ध कहते हैं, जिसमें यहाँ से भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। बक्सर के युद्ध में तीन लोग एक तरफ थे, जिसमें बंगा इसमें शुजाउद दौला,
देखिए अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दूसरा बंगाल के जो अपदस्त नवाब थे मीर कासिम, और तीसरा जो शाह आलम द्वितीय जो राजा थे उस समय मुगल सल्तनत के, ये तीनों एक तरफ थे और अंग्रेजी सेना के जो सेनापति थे, ये लास्ट ईयर CGL के एग्जाम में भी पूछा था, सेनापति थे हेक्टर मुनरो के सेनापतित्व में इन्होंने इन तीनों की कंबाइंड सेना को हराया, जिसको बक्सर का युद्ध कहा गया। और इस समय बंगाल के जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड वेंसी टाट। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ पे और बढ़िया बनता है कि भारत में पहला सैनिक विद्रोह इसी युद्ध के दौरान हुआ था। इसी युद्ध के दौरान भारत का पहला सैनिक विद्रोह भी हुआ था, जब हेक्टर मुनरो की सेना में से एक भारतीय टुकड़ी यहाँ पर आ गई थी। अब ये सब 1764 में हुआ, पर जब हम इलाहाबाद की संधियों की बात करते हैं तो इलाहाबाद की संधि के लिए रॉबर्ट क्लाइव वापस आ गए थे। तो रॉबर्ट क्लाइव के साथ और जो शाह आलम द्वितीय इनके साथ पहली संधि हुई, और रॉबर्ट क्लाइव और ये जो शुजाउद्दौला इसके साथ इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी। देखिए शुजाउद्दौला से इन्होंने इलाहाबाद तथा कड़ा क्षेत्र ले लिया था। अंग्रेजों ने इलाहाबाद और कड़ा दोनों अच्छे रिवेन्यू देते थे, और साथ ही साथ इन्होंने 50 लाख रुपए मुआवजा मांगा शुजाउद्दौला के साथ। वो बाद में जब बनारस की संधि होती है 1773 में, बनारस की संधि में वो वापस हो जाएगा, पर ये इलाहाबाद की संधियां हैं। और दूसरी और जो इससे पहले इलाहाबाद की संधि हुई थी वो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में, और यहां पर इन्होंने क्या किया, शाह आलम द्वितीय से बंगाल बिहार और उड़ीसा का राजस्व लेने का अधिकार ले लिया, और इसके बदले में इन्हें 26 लाख रुपए सालाना देने की बात कही अंग्रेजों ने, और शाह आलम द्वितीय को शुजाउद्दौला के जो इलाहाबाद और कड़ा ये दोनों क्षेत्र किन्हें दे दिए, शाह आलम द्वितीय को। तो दो संधियां हुई, पहली 12 अगस्त और दूसरी 16 अगस्त 1765 में। दोनों संधियां रॉबर्ट क्लाइव के साथ हुई थी, और रॉबर्ट क्लाइव ने पहली शाह आलम द्वितीय के साथ करी और दूसरी संधि शुजाउद्दौला के साथ करी। ठीक है।